गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट अवर चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट। पीछे जो भी सारे चैप्टर है वो सभी हमारे फिनिश हो चुके हैं, सिर्फ चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 ही हमारा अब बाकी है। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे आज चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। आपको पेज नंबर 67 पे 66 पे दिया है। सो इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, फर्स्ट सीट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। जनरली आप क्या करते हो, यहाँ पे क्या दिया है, चैप्टर का नाम क्या है, बॉडी मूवमेंट्स। हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि हैंड है, फिर लेग है, फिर आपका जो आई है, वो सबका मूवमेंट देना, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया है, जैसे कि आपकी आईज जो है वो टाइम टू टाइम ऐसे ब्लिंक करती रहती है। ओके, जो आपको जनरली पता भी नहीं होता, लेकिन वो कंटिन्यूसली ब्लिंक करती है। ओके, ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। ब्रीथ करते हो तब भी आपकी बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्या, जैसे ही आप ब्रीथ इन करते हो तो ऑक्सीजन आप अंदर लेते हो, उसके बाद जैसे ही ब्रीथ आउट करते हो तो उसमें मूवमेंट कौन करेगा, आपका नोज़ जो है वो आपका वर्क कर रहा है यहाँ पे। ओके, देर आर सो मेनी मूवमेंट्स डेट हैपन इन आवर बॉडीज। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। यहाँ पे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि कौन सा बॉडी पार्ट है जो आप मूव कर सकते हो। ओके, और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जैसे ही आप अपने फ्रेंड को पीछे देखते हो तो क्या आता है, जनरली आप अपनी नेक को क्या करते हो, मूवमेंट देते हो। ओके, डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन द सेम। एग्जाम्पल, यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर एंड और टू द स्कूल कंपाउंड। जैसे ही आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो तो आप क्या करोगे, अपने लेग को मूवमेंट दोगे, तो क्या होगा, जनरली आप यहाँ से चल के वहाँ तक जाओगे, वहाँ से चल के ग्राउंड तक जाओगे, यानी कि ये क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। यू वॉक, रन, स्कीप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे क्या है, प्लेस टू प्लेस आप वॉक करते हो, जनरली रनिंग भी करते हो, स्कीपिंग भी करते हो, जंप भी करते हो, ये जनरली क्या है, सब अलग अलग मूव है। ओके, लेट अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विथ अवर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स। ये टेबल दिया है, उसमें आपको क्या दिया है, काव जो है वो वॉकिंग करने के लिए किसका यूज़ करती है, लेग का यूज़ करती है। उसके बाद ह्यूमंस जो है वो वॉकिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, लेग का यूज़ करते हैं, वो भी सेम आएगा। स्नेक है तो क्या आएगा, होल बॉडी, वो क्या करता है, स्लाइडर करता है, यानी कि रेंगता है, जो सॉइल आपके ग्राउंड जो होता है उस पर वो रेंगता है, मतलब कि क्या करता है, होल उसकी बॉडी जो होती है वो मूवमेंट करती है। ओके, बर्ड जो होता है वो भी अपने पैर से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं उनके भी छोटे छोटे पैर होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट में कई सारे आएंगे। फिर अगर जैसे कि आप क्या ले लो, मॉस्क्यूटो ले लो, वो भी इंसेक्ट में आएगा, तो उसके भी पैर होते हैं, तो मूवमेंट के लिए वो क्या यूज़ करता है, पैर का यूज़ करता है। फिर यहाँ पे फिश है, फिश क्या करती है, मूवमेंट के लिए अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करती है, जनरली उनकी जो विंग्स होती है उसका भी इस्तेमाल करती है तैरने के लिए। ओके, सो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्राउल, स्लाइडर एंड स्विम, दिस आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन टू अनदर। ये सारे वेज है जिससे क्या कर सकता है एनिमल, यानी कि इसमें एनिमल ह्यूमन भी आ जाएंगे एनिमल में। ओके, तो वो सब क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट कर सकते हैं। व्हाई आर देयर सो मेनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, व्हाई इट इज़ दैट मैनी एनिमल्स वॉक व्हाइल अ स्नेक, स्लाइडर और क्राउल और फिश अ स्विम। अब दिया है आपको पेज नंबर 66 पे ही दिया है नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। यहाँ पे क्या दिया है, लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ अवर ओन मूवमेंट टू बीइंग विद बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटीज मूवमेंट इन एनिमल। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। आपके स्कूल पे आपको हर सैटरडे को एक्सरसाइज करवाते हैं, तो जनरली वो एक्सरसाइज आपको पसंद है या नहीं, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड गेट वाइल डूइंग एक्सरसाइज डेली। अगर आपको एक्सरसाइज करवाए तो जनरली क्या होगा, आपके पूरी बॉडी का मूवमेंट होगा, जिससे क्या रहोगे, आप फिट रह सकते हो। तो जनरली क्या है यहाँ पे दिया,
कि जब आपको अलग अलग वे में एक्सरसाइज कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में, तो वो सब अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए होती है। लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट्स अवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। बॉल और इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? जब भी आप क्रिकेट खेलते हो, तो बॉलिंग करते हो, तो बॉलिंग के टाइम क्या है, आपके हैंड का जो मूवमेंट है वो कैसे होगा, पूरा आपका हैंड क्या करेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप बॉलिंग में स्पीड ला सकते हो। उससे क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे बेस करता है, आपका स्पीड कितना है, आपका हैंड मूवमेंट कैसा है, उन सब पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। डिड यू रोटेट इट एट अ शोल्डर इन सर्कुलर मूवमेंट? डिड यू रोटेट योर लेग एट द हिप? बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग एट द नी? आप क्या कर सकते हो, अपने आर्म को भी क्या कर सकते हो, एल्बो से क्या कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, और लेग को भी नी से आप क्या कर सकते हो, इजीली बेंड कर सकते हो। सो स्ट्रेच योर आर्म साइडवे, बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर। क्या कर सकते हो, आपके शोल्डर को क्या कर सकते हो, फिंगर से टच कर सकते हो ना ऐसे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी मूवमेंट हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ से बेंडिंग हुआ, पहले तो यहाँ से हुआ, बाद में यहाँ से हुआ, और यहाँ से आपने ये टच किया फिंगर से, तो ये क्या होगा, पूरा आपका बेंडिंग होगा। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? स्ट्रेट योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। क्या करना है, आपके आर्म को क्या करना है, स्ट्रेट करना है, उसे डाउनवर्ड डिरेक्शन में बेंड करने की ट्राई करना है। होगा जनरली इतना नहीं होगा जितना ऐसे अपवर्ड डिरेक्शन में होता है। ओके, आर यू एबल टू डू इट? ट्राई टू मूव वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। व्हाई इट इज वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इजिली इन वेरियस डिरेक्शन एंड सम ओनली इन वन डिरेक्शन। यहाँ पे आपको टेबल में फिलअप करना है, तो यहाँ पे क्या है, नेक जो है वो आप रोटेट कर सकते हो इजिली, तो क्या आएगा उसमें, कम्प्लीटली रोटेट कर सकते हो, इधर से उधर घुमा सकते हो पूरा, तो क्या आएगा इसमें, अगर ऐसे बोला है तो रोटेट कर सकते हो, और पार्टली टर्न कर सकते हो, हाँ पार्टली मतलब कि थोड़ा थोड़ा आप उसे टर्न भी कर सकते हो, बेंड कर सकते हो ऐसे बेंड कर सकते हो ना, हाँ फिर लिफ्ट कर सकते हो, तो नो डज द मूव एट ऑल। फिर आएगा आपका फिंगर जो है उसे आप रोटेट कर सकते हो, तो रोटेट तो कर सकते हो पार्शियली या नहीं, हाँ या ना में आंसर देना है। उसके बाद आपके कई सारे बॉडी पार्ट्स दिए हैं, जिसमें हेड है, बैक है, आपका टो है, एंकल है, नी है, एल्बो है, आर्म है, तो आर्म जनरली क्या कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो ना, रोटेट कर सकते हो, तो उसमें आएगा यस। तो यहाँ पे हर एक के लिए आपको यहाँ पे टेबल में फिलअप करना है। ओके, उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी है, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टू गेदर। क्या करना है, ऐसे आपके आर्म पे क्या करना है, नीचे आपको स्केल टाइप कर देना है, स्केल टाइप करने के बाद उसे आप बेंड करना है, तो बेंड कर पाओगे, यहाँ पे क्या आएगा, नहीं बेंड कर पाओगे। डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड टू रोटेट योर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी सीम्स टू बी जॉइन टूगेदर। जहाँ पे हमारे बॉडी के दो पार्ट जॉइंट होते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, जैसे कि लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक टूगेदर। यहाँ पे देखो, अगर मेरा ये दो पार्ट ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये बीच वाला जो पार्ट है जहाँ से आप इजीली उसे मूवमेंट दे सकते हो, बेंड कर सकते हो, तो वो क्या है, जॉइंट है। हम इसे क्या बोलेंगे, जॉइंट बोलेंगे, जहाँ पे दो बॉडी पार्ट क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। ओके, कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स इफ़ योर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स? डू यू थिंक इफ़ इट वुड बी अ पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? वॉट एक्जैक्टली इज जॉइंट टूगेदर एट दिस जॉइंट? जॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा, उसके बाद आपकी नी में आएगा, फिर आपका यह जो लेग है जहाँ से आपका एंकल स्टार्ट होता है वहाँ पे आएगा, हर जगह पे जॉइंट आएगा, जो आपको क्या कर सकते हैं, हर एक जॉइंट आपको हेल्प करता है बॉडी मूवमेंट में। ओके, प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज और बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टोज। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? क्या करना है, अगर आप अपनी फिंगर से क्या करो, हेड पे ऐसे जोर से क्या करो, प्रेस करो, यानी कि प्रेस करो, तो क्या होगा, आपको हर एक जगह पे क्या होगा, ऐसे प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे
डिफरेंट फील होगा, जिसकी वजह से आप क्या होगा, यहाँ पे आपको फील हो सकता है कि आपके हर एक बॉडी पार्ट में क्या है, हार्ट स्ट्रक्चर है, जो आपके क्या है, बोन्स है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे फिंगर रखी तो ऐसी पूरी फिंगर आपके अंदर नहीं चली जाएगी, यहाँ पे अगर आपका बोन है तो फिंगर कहाँ पे ऐसे के ऐसे ही रह सकती है। ओके, रिपीट दिस एक्टिविटी इन योर पार्ट ऑफ योर बॉडी सो मैनी बोन्स इज बोन्स कैन नॉट बी बेंड, सो हाउ डू यू बेंड योर एल्बो, इट इज़ not one long bone from the upper arm to our wrist, each is different bones joined together at the elbow, there are many bones present in each part of the body, we can bend or move our body only at those points where bones meet, जहाँ पे bones क्या करते हैं, meet करते हैं, जहाँ पे joints है वहीं से हम body parts को क्या कर सकते हैं, bend कर सकते हैं। okay, उसके अलावा हम हमारे जो हमारा जो bone होता है उसको bend नहीं कर सकते। okay, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।